मीटुल और दिव्यांग। पहली गेंद में छक्के के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए यहां पे खुद कप्तान मीटुल डुमर्स। काफी अच्छा शॉट मीटुल के बल्ले से। फिर से बड़ा शॉट, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा बाहर। काफी अच्छा और लंबा छक्का मीटुल के बल्ले से। दो गेंदों में दो लगातार छक्के यहां पे मीटुल के बल्ले से देखने को मिल रहे हैं। इसी छक्के के साथ स्कोर संख्या 12 रन। पहली ओवर का ये खेल जारी। काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी कप्तान मीटुल के द्वारा। फुलटॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे यहां पे बल्लेबाज मीटुल डुमर्स। कप्तान के सामने कप्तान। दोनों टीम एक एक मुकाबला हार चुकी है, ये मुकाबला जीतना पड़ेगा टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। अच्छा शॉट, यहां पे रन आउट होने का खतरा, देखना पड़ेगा। एक रन, इसी एक रनों के साथ तेरह रन। पहली ओवर का यह खेल जारी। केकेबी क्रिकेट क्लब मांडड़ी आयोजित समग्र दक्षिण गुजरात आहिर प्रीमियर लीग सीजन 2 आज के दिन का यह तीसरा मुकाबला। अच्छा शॉट, और काफी अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। दो रन चुराते हुए ऐसी सूझबूझ वाली पारी खेली होगी दोनों बल्लेबाजों को। दिव्यांग को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए यहां से दूसरी ओवर लेके मीत अपरामा अपने कोटे का पहला और टीम के लिए दूसरा ओवर लेके। और नए बल्लेबाज की बात की जाए तो धीरन, मीत तैयार लंबे रन के साथ। अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टूर्नामेंट में तीजा दिवस नु जमवानु बाय ट्रेवल्स अने माकृपा ट्रेक्टर्स तरफ थी मळेल छे, तो एमनो खूब खूब आभार।
रिवर्सिप मारने की कोशिश। एक रन, इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 16 रन। हमारे एम्पायर को ना पसंद आती हुई गेंद वाइड, गेंद इसी एक 3 रनों के साथ स्कोर संख्या 17 रन। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। स्कोर रुका हुआ 17 रन। दूसरी ओवर का ये खेल जारी। कत्रिक रन वाइट, इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 18 रन। फिर से एक अतिरिक्त रन वाइट गेंद, सी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 19। रिवर्सिप मारने की कोशिश, बैट पे सही आई नहीं, एक ही रन, इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 20 रन। दूसरी ओवर का यह खेल जारी। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और ये काफी अच्छा शॉट, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा की और 4 रनों के लिए, इसी 4 रनों के साथ स्कोर संख्या 24 रन। दूसरी ओवर का ये खेल जारी। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला, 6 मुकाबले खेले जाएंगे। अच्छी गेंद, इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। मां काली 11 डुम्बर्स का स्कोर रुका हुआ 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। आ टूर्नामेंट की सफलता माटे हितेन सुमनभाई आहिर मांडड़िया हाल यूएसए एमना तरफ से 25,000 रुपया मिले है, तो केकेबी क्रिकेट क्लब एमनो खूब खूब आभार माने छे। टूर्नामेंट की सफलता माटे हितेन भाई सुमनभाई आहिर मांडड़िया हाल यूएसए एमना तरफ से 25,000 रुपया मिले है, तो केकेबी क्रिकेट क्लब एमनो खूब खूब आभार माने छे। थैंक यू। याना वॉरियर्स की ओर से खुद कप्तान जय अपरामा अपना अंतिम ओवर और टीम के लिए तीसरा ओवर लेके तैयार। वाइट गेंद, इसी 31 रनों के साथ स्कोर संख्या में बढ़ावा होता हुआ 25 रन। अच्छा शॉट, धीरेन के बल्ले से निकलता हुआ गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए, इसी 4 रनों के साथ स्कोर संख्या 29। तीसरी ओवर का ये खेल जारी है।
अच्छी शुरुआत मानी जाएगी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। ऐसी ही सूझबूझ वाली पाली खेलनी होगी। बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, टूर्नामेंट में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना पड़ेगा। अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, एक ही रन, इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 30 रन। बड़ा शॉट, लंबा, 6 रन, मीतुल के बल्ले से निकलता हुआ ये शॉट सीमा रेखा के बाहर। इसी 6 रनों के साथ स्कोर संख्या में बढ़ावा होता हुआ 36 रन। अच्छी पारी यहां पे देखने को मिल रही है मीतुल और धीरेन के द्वारा। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, एक ही रन, इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 37। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, एक ही रन, इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 38। तीसरी ओवर का ये खेल जारी है। मीतुल की बात की जाए तो अभी तक 10 गेंदें खेल के 25 रन बना के अभी तक नाबाद, 3 छक्के और 1 चौके के साथ। अच्छी गेंद, इसके साथ 3 ओवर की समाप्ति। महाकाल 11 डुम्बर्स का स्कोर रुका हुआ 39 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जय थोड़े महंगे साबित हुए अपनी 2 ओवर में 30 रन और 1 विकेट। याना वॉरियर्स की ओर से 4th ओवर लेके पिंकल अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 4th ओवर। पिंकल तैयार कमेंट्री बॉक्स की ओर से, सामना करेंगे मीतुल। हमारे एम्पायर को नापसंद आती हुई गेंद, व्हाइट गेंद, इसी एक अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर संख्या 40। हमारे दोनों एम्पायर की बात की जाए तो परेश पटेल और हेवी नाहिर, चुस्त अंपायर। मैक्सवेल बनने की कोशिश थी लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। स्कोर रुका हुआ 40 रन। आज के दिन का ये 3रा मुकाबला। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, काफी अच्छी फील्डिंग भाविक के द्वारा, लेकिन 2 रन चुराते हुए यहां पे मीतुल। अच्छी रनिंग, इसी 2 रनों के साथ स्कोर संख्या में बढ़ावा होता हुआ 42 रन।
काफी अच्छी गेंदबाजी, एक सेट बल्लेबाज को बांध के रखा हुआ है यहाँ पे पिंकल ने। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे मिटुल के बल्ले से, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। रिवर्सिप पे छक्का देखने को मिला यहाँ पे खुद कप्तान मिटुल। पिंकल तैयार लंबे रन के साथ सामना करेंगे मिटुल। कट शॉट खेला गया यहाँ पे मिटुल के द्वारा, गेंद जाती हुई सीधी सीमा रेखा की ओर, थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पे पिंकल इसी 4 रनों के साथ स्कोर संख्या 52 रन माँ काली 11 डुम्मस। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, काफी अच्छी रनिंग यहां पे दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, 2 रन चुराते हुए अच्छी रनिंग। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर रुका हुआ महाकाली 11 डुम्बस का 54 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। मिटुल डुम्बस की बात की जाए तो 17 गेंदें खेल के 40 रन बना के अभी तक नाबाद, एक बड़ी पारी कप्तानी पारी। आ टूर्नामेंट में 4th दिवस में जमवानू भाई ट्रावेल्स अने माँ कृपा ट्रेक्टर्स मनीष भाई देवाभाई आहिर अने रितेश भाई किशोर भाई आहिर तरफ थी मळेल छे, तो एमनो पण केकेबी क्रिकेट क्लब खूब खूब आभार माने छे।
नए गेंदबाज की बात की जाए तो मीत अब्रामा। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, दौड़ रहती हुई यहां पे गेंद। फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहां पे मीत अब्रामा के द्वारा, लगातार दो गेंदें डॉट निकालते हुए। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, डायरेक्ट होती हुई यहां पे दो रन चुराते हुए इसी दो रनों के साथ स्कोर संख्या 56 रन। अच्छी गेंदबाजी मीत अब्रामा के द्वारा। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या बढ़ती हुई 57 रन। पांचवी ओवर का यह खेल जारी। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, देखना होगा फील्डर पीछे है और यह आसान सा कैच यहां पे पिंकल के द्वारा। लगने वाला यह दूसरा झटका मीतुल को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए यहां पे गेंदबाज मीत अब्रामा। अच्छी गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी मीत अब्रामा के द्वारा। मीत अब्रामा ने अपनी दो ओवर में 12 रन खर्च किए और एक विकेट निकल के दी। अच्छी गेंदबाजी, मां काली 11 का स्कोर रुका हुआ 5 ओवर की समाप्ति 57 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। याना वॉरियर्स की ओर से छठी ओवर लेके जैनो बिल्ली मोरा, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए छठा ओवर। सामना करेंगे तीरन, जैनो तैयार कमेंट्री बॉक्स की ओर से लंबे रन के साथ। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे यहां पे और यह आसान सा कैच रिकेन के द्वारा। लगने वाला यह तीसरा झटका धीरेन के रूप में। धीरेन ने अपनी टीम के लिए 11 गेंदें खेली और 10 रन बनाए। जैनू ने आते ही अपनी टीम को विकेट दिलाई।
नए बल्लेबाज परिन। हार्दिक टुमस हमारे एम्पायर को नापसंद आती हुई गेंद वाइड गेंद, इसी 31 रनों के साथ स्कोर संख्या 59 रन, छठी ओवर का ये खेल जारी। अच्छी गेंदबाजी अभी तक चैनो विलीपोरा की ओर से। काफी अच्छा शॉट था लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए यहां पे, इसी 1 रनों के साथ स्कोर संख्या में बढ़ावा होता हुआ 60 रन। काफी अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, 2 रन चुराते हुए। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर रुका हुआ 62 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली चैनो बिल्लीमोरा के द्वारा, सिर्फ 5 ही रन खर्च किए अपने इस ओवर में और 1 विकेट निकाल के दिया अपनी टीम को। समय माटे थोड़ो साथ अने सहकार आपसो तो आपना आभारी रहेशु। सातवीं ओवर लेके यहाँ पे पिंकल अपने कोटे का अंतिम और टीम के लिए 7वां ओवर लेके सामना करेंगे मिलन। अच्छा शॉट, थोड़ी सी मिस फील होती हुई यहां पे और मिस फील की वजह से 2 रन जय ब्रह्मा के द्वारा। इसी 2 रनों के साथ स्कोर संख्या 64। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 64। सातवीं ओवर का यह खेल जारी। अच्छा शॉट,
उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे खुद कप्तान जयप्रमा के द्वारा, एक ही रन। इसी एक रनों के साथ स्कोर संख्या 65 रन। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर रितेश ने पूरा किया। सातवीं ओवर का ये खेल जारी है, स्कोर का हुआ 65 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला आई प्रीमियर लीग। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे यहां पे, एक ही रन। इसी एक रनों के साथ 66। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, एक ही रन। इसी के साथ सात ओवर की समाप्ति, स्कोर रुका 67 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। काफी अच्छी गेंदबाजी पिंकल आहिर के द्वारा से, 5 ही रन दिए। केकेबी क्रिकेट क्लब मानड़ी आयोजित समग्र दक्षिण गुजरात आहिर प्रीमियर लीग, आज पहला दिन, पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला। 4 दिन तक चलेगा ये टूर्नामेंट, एक बड़ा टूर्नामेंट माना जाएगा। RGMM क्रिकेट ग्राउंड मांडेरिया पे, एक अच्छा ग्राउंड। अच्छी गेंद जैनुबिली मोरा की ओर से, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बांध के रखा हुआ है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। मिलन की बात की जाए तो बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं, छक्के लगाने होंगे। और ये आउट, मिलन को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए यहाँ पे गेंदबाज जैनु, अच्छी गेंदबाजी। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, जितनी भी तारीफ की जाए ना उतनी कम जैनुबिली मोरा की। अच्छी गेंदबाजी, कहा जाता है धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक है, वैसे ही गेंदबाज जैनु बल्लेबाजों के लिए। रिवर्सिप, काफी अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग मानी जाएगी यहां पे शिव के द्वारा। दो रन चुराते हुए इसी दो रनों के साथ स्कोर संख्या बढ़ती हुई 69 रन।
फील्डिंग में कुछ परिवर्तन करते हुए यहां पे कप्तान। अच्छा शॉट, उतना अच्छा कैच यहां पे रिकेन आहिर के द्वारा। केकेबी क्रिकेट क्लब मांदरिया द्वारा आयोजित आहिर प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये पहला दिन और तीसरा मुकाबला। तो ये इनिंग ब्रेक के बाद बीच में हम जो स्पॉन्सर है उनके नाम अनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे जो 12 टीम है उनके ऑनर्स के नाम है। माकाल 11 डुम्बस के ऑनर रमेश भाई आहिर, सिया वॉरियर्स योगेश भाई आहिर नागदरा, याना वॉरियर्स भाविक आहिर अब्रामा, काली मोगल 11 कमलेश भाई आहिर खरवासा एंड दिनेश आहिर एरू, केकेबी टाइगर्स सेहुल भाई आहिर मांदरिया, लॉस एंजलस किंग्स जय आहिर एंदल एंड चैनिस आहिर मांदरिया, एले एंजल्स एलेक आहिर मोलदरा, साइनीर 11 मनीष भाई आहिर पलसाणा, दोस्ती 11 धर्मेश भाई आहिर अर्दा, कृष्णा कार्टिंग विजय भाई आहिर वालोड, बुंडेरा फाइटर संजू आहिर सिमड़गाम और माँ वरुड़ी वॉरियर्स उमेश भाई आहिर। और जो दान जो आया है उसकी याद में यहाँ पे जाहिर करता हूँ। तो यहाँ पर खूब खूब आभार सीआरपीआर रेसिडेंसी किशोर आहिर 11,000, पहले दिन का जो भोजन है वो किशोर भाई गोविंद भाई आहिर की ओर से मिला है, खूब खूब आभार। दूसरे दिन का जो भोजन है वो राजेंद्र आहिर राजेंद्र भाई डाया भाई आहिर की ओर से। इस टूर्नामेंट के सभी जो बॉल यूज होंगे उसका तमाम खर्च महेश भाई गोपाल भाई आहिर की ओर से, एक क्रिकेट प्रेमी की ओर से 2,500 रुपया, कल्पेश मैन अनु भाई आहिर की ओर से 2,100, जोग माया बिट्स जिगर भाई आहिर की ओर से 2,100,
और यहाँ पर तीसरे मैच की दूसरी इनिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो यहाँ पर टारगेट जो दिया हुआ है वो 72 रन का है। ये तीसरी मैच का मुकाबला याना वॉरियर्स एंड महाकाली 11 डुमस के बीच में। दोनों ही टीमें पहले अपना प्रारंभिक जो मैच है वो हार चुकी है, तो ये मैच दोनों ही टीमें जीतना चाहेंगी। और पिछले दोनों मुकाबले की बात की जाए तो लो स्कोरिंग मैच थी, तो ये भी लो स्कोरिंग मैच है। 72 का टारगेट दिया हुआ है 8 ओवर के अंदर। ये RGMM का ग्राउंड जो लीज पे भी अवेलेबल है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दीपेश पटेल को। और याना वॉरियर्स के प्रारंभिक बल्लेबाजों की बात की जाए तो मीत आहिर अब्रामा और प्रिंस आहिर अब्रामा स्ट्राइक पे है मीत आहिर, और कमेंट्री बॉक्स के छोर से मितुल आहिर अपने लंबे रन के साथ पहली ओवर का भार संभालेंगे। ये तीसरा मुकाबला 72 रन चाहिए होंगे याना वॉरियर को जीतने के लिए। और लेट्स प्ले। ऑफ साइड की ओर खूबसूरत पंच कर दिया एक रन के लिए। इसी एक रन से अपना खाता खोलते हुए यहां पर मीत और याना वॉरियर्स का भी खाता खोलता हुआ एक रन के साथ। ये पहले ओवर का मुकाबला जारी। मितुल अपने लंबे रन अप के साथ सामना करेंगे प्रिंस। अच्छी गेंद और अच्छा डिफेंसिव शॉट, अच्छा सम्मान दिया मितुल आहिर जो कि बड़ा नाम है आहिर प्रीमियर लीग में। ऑलराउंड के तौर पे और आइकन के तौर पे शामिल किया जाता है उनको हर एक टीम में, और उन्होंने क्या बढ़िया पारी खेली थी पहली इनिंग में। और अभी बॉलिंग का बार संभालते हुए लेकिन लेग साइड की ओर पटकी हुई गेंद थी और उसका अच्छा फायदा उठाते हुए यहाँ पर प्रिंस आहिर ने लेग साइड की ओर शॉट लगा दिया 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। प्रिंस आहिर ऑफ साइड की ओर पंच कर दिया एक रन के लिए। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। प्रिंस की बात की जाए तो उन्होंने छापरा के ग्राउंड पे बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी, उस पारी को याद करना होगा उनको अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने के लिए। और ये लेग साइड की ओर स्वीप शॉट कर दिया है मीत के द्वारा। जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन चुरा लिया। इसी एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 7 रन। पहली ओवर का खेल जारी। 72 रन का टारगेट है। मितुल आहिर डुमस सामना करेंगे प्रिंस। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड की ओर कट कर दिया है एक रन के लिए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी यहां पर प्रिंस के द्वारा। और एक ओवर के बाद 8 रन कोई बिना विकेट के नुकसान पर याना वॉरियर्स 72 रन का टारगेट चेस कर रही है। दूसरी ओवर का बाल संभालेंगे धीरन डुम्बस। उनका सामना करेंगे प्रिंस। दूर वाले छोर से धीरन तैयार अपने छोटे से रनअप के साथ। ब्लॉक में डाले हुई गेंद बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। रनों की संख्या रुकी हुई 8 रन। 72 रन का लक्ष्य है याना वॉरियर्स के सामने जो कि पहला मैच हार चुकी थी।
और महाकाली इलेवन की भी बात करें तो वो भी पहला मैच हार चुकी है। फुल टॉस गेंद थी, लेग साइड की ओर खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए थे और एक ही रन उसका फायदा नहीं उठा पाए। फुल टॉस गेंद थी, लेग साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने का कोशिश की थी लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ और सीधा विकेट कीपर सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन एक रन चुराने में कामयाब। अगली गेंद सामना करेंगे मित, सीधा खेला हुआ शॉट, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन की ओर से फील्डर आके दिव्यांग जिन्होंने अच्छा कलेक्ट किया सिर्फ एक रन। इसी एक रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 10 रन। फील्डिंग में तब्दीली करते हुए यहां पर फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठाते हुए यहां पर प्रिंस लेग साइड की ओर अच्छा शॉट, यही शॉट लगाना चाहते थे पिछली गेंद पे भी लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सफल। इसी 4 रन के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई 14 रन। पटकी हुई गेंद लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे, ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ, यहां पर रन आउट का चांस था लेकिन फील्डर ने भी वहां पर मिसफील कर दिया। ऐसे मौकों को विकेट में कन्वर्ट करना होता है, फील्डर से थोड़ी सी मिसफील हुई और डॉट गेंद। अगली गेंद लेकर दूर वाले छोर से धीरन तैयार, पटकी हुई गेंद लेग साइड की ओर फिर से खेला हुआ शॉट, वहां पर रन आउट का चांस लेकिन खराब थ्रो वहां पर राहुल के द्वारा, लेकिन अच्छा बैकअप राहुल का, खराब थ्रो था वरना क्लोज हो सकता था, विकेट का चांस था लेकिन गवाया। इसी एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन याना वॉरियर्स को जीतने के लिए 72 रन का टारगेट है। अगर महाकाली इलेवन की बात करूं तो जो प्रारंभिक 4 ओवर थे उनमें उन्होंने बहुत सारे रन बनाए थे लेकिन पिछले जो लास्ट जो 4 ओवर थे उसमें ज्यादा रन नहीं आए और उसी का खामियाजा उनका टारगेट जो हुआ है वो 71 ही हुआ है तो, और याना वॉरियर को जीतने के लिए 72 रन का टारगेट दिया है। अभी भी 36 गेंदों में 57 रन चाहिए होंगे याना वॉरियर को ये मुकाबला जीतने के लिए। ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर पहले दिन का और बॉलिंग का भार संभालेंगे मिलन अपने लंबे रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की छोर से। लॉग ऑफ को बाउंड्री पे धकेला है फील्डिंग में तब्दीली करते हुए। पटकी हुई गेंद ऑफ साइड की ओर और ये इनसाइड एज लगा था लेकिन कैच छूटा, वहां पर ये मौका छूटा, प्रिंस को एक चांस मिलता हुआ यहां पर, जीवन दान मिलता हुआ, अब उसको कन्वर्ट करना होगा बड़ी पारी में। पहले ही गेंद पे ये मौका मिलता हुआ यहां पर प्रिंस को, विकेट कीपिंग में तब्दीली करते हुए यहां पर राहुल को बुलाया गया है। राहुल जो कि पिंजरत की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और ये बड़ा शॉट, बैट पिच डिलीवरी थी उसको, अच्छी नजाकत बड़ा शॉट, 6 रन, लॉफ्टेड शॉट प्रिंस के द्वारा, बढ़िया शॉट।
करते यार मिलन सामना करने के प्रिंस फिर से लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे लेकिन ब्लॉक में डाली हुई गेंद और ये अपना विकेट गंवाते हुए प्रिंस ऑफ साइड की ओर जाके लेग साइड की ओर स्वीप शॉट लगाना चाहते थे लेकिन चूके यू मिस आई हिट मिलन ने अपना एक विकेट ले लिया और यहाँ पर दूसरा विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर याना वॉरियर्स अब्रामा के लिए ब्रेक के बाद स्वागत है। ये पांचवी ओवर का खेल जारी 40 रन दो विकेट के नुकसान पर अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर याना वॉरियर्स के द्वारा ये कट शॉट और ये चौका बहुत ही बढ़िया सूझबूझ भरी बैटिंग यहाँ पर जया अहिर के द्वारा इसी चौके के साथ रनों की संख्या उछलती कुलती 44 रन दो विकेट के नुकसान पर यह पांचवी ओवर का खेल जारी जीतने के लिए 28 रन चाहिए 20 गेंदों में बढ़िया यॉर्कर गेंद बढ़िया डिलीवरी यहां पर अच्छी वापसी 44 रन दो विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए अभी भी 19 गेंदे 28 रन ये पहले दिन का तीसरा मुकाबला याना वॉरियर्स और ये बोल्ड लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे अपने ही शॉट से नाखुश वहां पर जय लेग साइड की ओर स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन चूके और ब्लॉक में डिलीवरी थी वो अपने विकेट गंवाते हुए एक बात बताओ कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी नहीं रे बाबा कोई लॉटरी नहीं लगा और मेरे को कोई फोन भी नहीं आया कौन सा फोन अरे कोई रॉन्ग नंबर भी नहीं आया फील्डिंग टीम से निवेदन है कि आपको निर्धारित 40 मिनट में 8 ओवर खत्म करने होंगे वरना लास्ट ओवर में आपका एक फील्डर सर्कल के अंदर रहेगा तीन ओवर के अंदर और जय के विकेट की बात की जाए तो जय ने ऑलरेडी उस ओवर में 17 रन बना दिए थे तो लास्ट बॉल में ऐसा शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी लेकिन अपना विकेट गंवाते हुए केकेबी 11 और मां वरुड़ी 11 के कप्तान और आइकन को निवेदन है कि टॉस के लिए और अपनी टीम के लिए कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें माँ वरुड़ी वॉरियर का कप्तान एंड केकेबी टाइगर्स के कप्तान को निवेदन है टॉस के लिए और अपनी टीम को के लिए कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें
अगली ओवर का भार संभालेंगे हार्दिक दुम्बस, सामना करेंगे देवांग बिल्लीमोरा। 18 गेंदे 28 रन, ये छठी ओवर का खेल जारी। दूर वाले छोर से हार्दिक तैयार, सामना करेंगे देवांग। मितुल फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, ये तीसरे मुकाबले की दूसरी इनिंग। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, चूके, अच्छी बॉलिंग। स्कोर रुका हुआ 44, 3 विकेट के नुकसान पर 75 रन का टारगेट है। 17 गेंदे 28 रन, फिर से सेम एक्शन रिप्ले। दूसरा शॉट लगाना चाहते थे, सेम डिलीवरी, सेम शॉट लगाना चाहते थे लेकिन फिर से चूके। एक्शन रिप्ले था ये पिछली गेंद का, अच्छी बॉलिंग वहां पर हार्दिक के द्वारा। पिछली ओवर में 17 रन आ चुके थे लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी आया था मिलन की ओवर में, जय का। अभी देखना होगा देवांग अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। फिर से अपील, जोरदार अपील और आउट करार दिया लेग एम्पायर ने। बढ़िया बॉलिंग यहां पर हार्दिक के द्वारा, दो लगातार दो बिंदी गेंद और अपना विकेट गंवाते हुए देवांग। प्रिंस आहिर को निवेदन है टॉस के लिए आए, और ये क्या ओवर है हार्दिक आहिर का, बहुत ही बढ़िया वापसी करते हुए।
और मितुल आहिर की क्या कप्तानी। और बैटिंग के लिए रिकेन अब्रामा स्ट्राइक पे मौजूद पिंकल का स्थान लेने के लिए, और बॉलर है हार्दिक। इस ओवर में दो सफलताएं और सिर्फ एक रन। बढ़िया गेंदबाजी हार्दिक के द्वारा अपनी टीम को मजबूत करते हुए। फिर से ब्लॉक में डाली हुई, जड़ में डाली हुई गेंद रिवर्सिव खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग और बहुत ही बढ़िया ओवर ये, सिर्फ एक रन और एक विकेट। एक रन और दो विकेट, माई मिस्टेक, क्या बढ़िया ओवर है ये। याना वॉरियर की पारी थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई, 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदे 27 रन। और टाइम की बात की जाए तो यहां पर 30 मिनट हो चुके हैं। प्रिंस प्रिंस प्लीज आप जहां भी हो टॉस के लिए आ जाए। प्रिंस माँ वरुड़ी के कप्तान यहां पर कब से आपका वेट कर रहे हैं। तो अभी अगर इस इनिंग की टाइमिंग की बात की जाए तो 10 ओवर में 10 मिनट में 2 ओवर डालने होंगे। धीरेन डुम्बस बॉलिंग का भार संभालेंगे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर से, और सामना करेंगे जेनू बिल्ली मोरा। 12 गेंदे 27 रन। पिछली ओवर की बात की जाए तो 18 गेंदों में 28 रन चाहिए थे, लेकिन सिर्फ एक रन दिया हार्दिक ने, और 12 गेंदे 27 रन। अभी लेग साइड की ओर खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने खत्म किया। डॉट गेंद और बढ़िया वापसी होती हुई यहां पर महाकाली 11 डुम्बस के द्वारा। बढ़िया बॉलिंग जय आहिर के विकेट के बाद थोड़ी सी पारी लड़खड़ाती हुई यहां पर अब्रामा की। फुल टॉस गेंद उसको कवर ऑफसाइड की ओर खेल दिया है, दो फील्डरों के बीच में से बॉल जाती हुई 4 रन। बढ़िया शॉट था ये। याना वॉरियर्स ऑफ साइड की ओर कड़क शॉट है यहां पर, लेकिन फील्डर को चकमा देती हुई चौका। 4 रन लगातार 2 गेंदों में 2 चौके, बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पर जैनो के द्वारा। लगातार 2 चौके लगा चुके हैं इस ओवर में ऑफ साइड की ओर, फिर से खेलना चाहते थे, वाइड की मांग की है बैट्समैन ने, देखते हैं अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। मिसफील्ड होती हुई दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, और ये 2 रन और ये अतिरिक्त रन के साथ 3 रन।
अच्छी वापसी होती हुई यहाँ पर याना वॉरियर्स की। इस 3 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56। फिर से ऑफ साइड की ओर खेला हुआ शॉट हवा में था, मिस फील्ड होती हुई यहां पर और फिर से चौका। बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहां पर जैनो के द्वारा, 3 चौके और 3 रन एक्स्ट्रा, क्या बैटिंग है। लेकिन डॉट गेंद, इस ओवर में 3 चौके और 3 एक्स्ट्रा रन आ चुके हैं। और अब इक्वेशन की बात की जाए तो 7 गेंदों में 12 रन चाहिए याना वॉरियर्स को जीतने के लिए। और ये क्या शॉट है, क्या शॉट है ये, पीछे की ओर खेला हुआ शॉट, स्लॉग स्वीप, 6 रन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग यहाँ पर जैनक के द्वारा अपनी टीम को वापसी लाते हुए, वापसी करते हुए। यहाँ पे आप रिप्ले में भी देख सकते हैं क्या शॉट है ये। साथ क्या बढ़िया बैटिंग है जैनो के द्वारा। पिछली ओवर में हार्दिक ने महाकाली 11 को मजबूत परिस्थिति में किया था, तो दूसरे ओवर में जैनो ने क्या छक्का लगाया लास्ट बॉल पे, बहुत ही बढ़िया शॉट था वो, काबिले तारीफ शॉट। और फिर से हार्दिक डुम्बस आखिरी ओवर लेकर अपनी टीम को जिताने के लिए 6 गेंदों में 6 रन। और ये जो बॉलर है जिन्होंने पिछली ओवर में 2 विकेट और सिर्फ 1 रन दिया था, अभी देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। पटकी हुई गेंद थी, सीधा खेला, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं, देखना है। और दूसरे रन चुरा भी लिया, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट जैनो के द्वारा। सूझबूझ भरी बैटिंग और रनिंग बिटवीन द विकेट जैनो के द्वारा अपनी टीम के लिए हीरोइक परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर जैनो, बैट से ही नहीं लेकिन रनिंग से भी। 5 गेंदे 3 रन 4 रन, महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों ही टीम के लिए। पटकी हुई गेंद, फिर से इनसाइड एज लगा, जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन चुरा लिया। 3 गेंदे 4 रन, जैनो फिर से स्ट्राइक पर। क्या बल्लेबाजी है जैनो के द्वारा, अपनी टीम को जीत की कगार पे रख दिया है। फुल टॉस गेंद, लेग साइड की ओर खेला हुआ शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये कैच ड्रॉप, और ये कैच ड्रॉप, जैनो का कैच ड्रॉप, और 1 रन भी चला गया। दिव्यांग आयु जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की थी लेकिन इस बार कैच छोड़ दिया। ये तो आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी बात हो गई, कैच था और उसके साथ 1 रन भी चला गया। और अभी 3 गेंदे 2 रन, माँ वरुणी वॉरियर केकेबी टाइगर से टॉस जीतकर माँ वरुणी वॉरियर को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया है। 3 गेंदे 2 रन,
आउटसाइड एज लगा, अब ये मैच टाई हो चुका है, एक रन चुरा लिया। इस मैच की बात की जाए तो जेनो ने जो बैटिंग की है वो काबिले तारीफ, और उसकी अगली ओवर में जो हार्दिक ने बॉलिंग की थी वो भी काबिले तारीफ। कहते हैं ना कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, उसका लाइव उदाहरण। और ये फ्लिक शॉट, और मैच जीत लिया, सिर्फ एक गेंद शेष रही। अच्छी बैटिंग यहाँ पर जेनो आहिर के द्वारा, कॉन्ग्रेचुलेशन याना।